बट मैं धीरे नहीं चलूंगा क्योंकि तुम्हारे भाई की फट रही है बहुत तेज। मैं पागल हूँ जो यहाँ इस रास्ते से आया हूँ। कैसे हो? बस सब बढ़िया। फैमिली वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। सो भाई फाइनली आज वो दिन आ गया कि अब हम जा रहे हैं घर घर खेलते हैं। दिल्ली से आज निकल रहे हैं भाई। तो ये हमारे ध्रुव भाई इनके यहाँ रहे, अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई लद्दाख में। लद्दाख का सीन बहुत जल्दी होने वाला है। चलो लद्दाख 2022 #चलो लद्दाख 2022। और रजत भाई भी रेडी रहेंगे क्योंकि इनको बहुत मिस किया है हमने इस राइड पे। और काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, 12 दिन हो गए दिल्ली से मतलब पूरा मेरे ट्रिप को, और अब घर जाने का समय हो गया है। और यहाँ से लगभग 15 घंटे दिखा रहे हैं, तो देखते हैं आज के दिन हम कितना खींच सकते हैं। निकलना तो था सुबह 5 बजे, भाई साहब से जिम के लिए उठ जाते हैं, ये बार बार उठा रहे हैं, मेरे को आलस आ रहा है। तो आज करते करते 9 बज गए हैं, तो 9 बजे अगर सिटी को छोड़ेंगे तो 15 घंटे गूगल मैप बता रहा है। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ तक खींचते हैं, नहीं तो हम ग्वालियर या सागर में कहीं पर अगर अच्छा स्टॉपेज रहा तो आराम से एक नींद लेके कल सुबह चलेंगे, उतनी कोई जल्दी नहीं है। बाकी ये सफ़र काफ़ी अच्छा लगा, दिल्ली में इतने लोगों से मिला और क्या एक्सपीरियंस हुआ पूरा। मतलब इतना बड़ा ट्रिप मेरा पहली बार था दिल्ली में रह के, वहाँ से गाड़ी चलाते हुए मेरे को 1800 किलोमीटर हो गया। मतलब बता रहा हूँ इतना एक्सपीरियंस किया मैंने कैफे रेसर में। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कैफे रेसर में प्रॉब्लम जाती है, हाथ पैर दुखते हैं, बिल्कुल अच्छे मज़े से हमने पूरा ट्रैवल किया, एक्सप्लोर किया। तो आपको ये ट्रैवल सीरीज़ कैसी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। तो फिलहाल बैग को पैक करते हैं, अंदर नीचे किटअप करते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं मोटो व्लॉग में। गाइस तो गाड़ी का पूरा पैकअप हो गया है, सारी चीज़ अच्छे से बंजी कॉर्ड लगा दी है कि भाई सीधे अब 900 किलोमीटर बाद ही गाड़ी को खोलें। देखते हैं आज मैक्सिमम कितना टच कर सकते हैं। सही है, बस हवा मेरे को चेक करानी है तो सीधे हाईवे में चेक करेंगे। अभी यहाँ दिल्ली शहर छोड़ते हैं। तो ठीक है ध्रुव भाई, मिलते हैं, है ना? मिलते हैं, चलो मिलते हैं। चलो भाई मिलते हैं, है ना? बिल्कुल आराम से। ऑलराइट गाइस, तो फिर अपना ट्रिप स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो अभी गाड़ी चल रही है 1766। जब से हम आए हुए हैं 8 तारीख से, तब से हमने 1800 किलोमीटर गाड़ी चला दी है भाई। 763 किलोमीटर है यहाँ से जबलपुर, जो कि दिखा रहा है 14 घंटे 21 मिनट। अभी हो रहा है 9:30, अगर 14 और 9:30 को जोड़े तो यही मतलब रात को 12-1 बजे अगर चलाएँगे तो। बाकी अभी हम कवर अप करते हैं जितना कर सकते हैं। फॉग देख रहा हो, फॉग भी है। अगर होता है तो हम ग्वालियर और सागर इनके बीच में कहीं रुक जाएंगे, ग्वालियर और सागर। जय श्री राम, राइड सेफ, राइड हार्ड। और धूल देख रहा दिल्ली में कितनी है, बाप रे। तो चलाते हैं गाड़ी, आप लोग व्लॉग के मज़े लो। वैसे सोचा तो है एक दिन में कर लेंगे बट देखते हैं कितना हो सकता है। ठीक है चला जाए, चलो चले, लेट्स गो। फॉग भी है भाई, आगरा जल्दी जल्दी पहुंचना है भाई। अभी स्टॉप कोई नहीं लेंगे, लगभग 1-1.5 घंटे चलाते रहेंगे। अभी हमने 50 किलोमीटर कवर कर लिया है, तब सीधे 100 किलोमीटर के बाद लूँगा ब्रेक। तो अभी हम लोग मथुरा आ चुके हैं और अभी हम रुके थे हासिम भाई के पास। हासिम भाई ने हमारी गाड़ी को चेन लूप भी कर दिया और टाइट टाइट भी कर दिया। ठीक है हासिम भाई, मिलते हैं ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान है भैया। और अपना गाड़ी का काम भी हो गया, यहाँ ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अब आते हैं। अब अगली बार आते हैं तो मिलते हैं, ठीक है? बिल्कुल, चलो गुड बाय। हाँ हाँ चलो भाई, यही तो सफ़र का मज़ा है भाई। कितने लोग मिलते हैं, कितनी यादें जुड़ती हैं, तो भाई गाड़ी चलाने में जो मज़ा है उसका अलग ही मज़ा है। और गाइस तो भाई आगरा पहुंचने वाले हैं, लगभग 20 किलोमीटर्स है और मथुरा तो क्रॉस कर दिया। और मैंने देखा मेरा
GoPro सुपर व्यू में नहीं था यार, सॉरी फॉर देट। स्टार्टिंग में आपको फुल व्यू एंगल नहीं मिला उसके लिए, बाकी मज़ा आ गया, सुपर व्यू हमने कर दिया है। ग्वालियर के लिए हमें सीधा जाना है, आगरा अगर आपको सिटी के अंदर जाना है तो आपको टर्न लेना पड़ा। ओ सॉरी 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 सॉरी, ओह फक 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 फक। मोबाइल पे तो नहीं, कम से कम बैनर पे तो ध्यान देते। कार्तिक कस्टम क्या कर रहे हो, ग्वालियर 135 यहाँ लिखा है, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था मैं, सॉरी फॉर दैट। तो आगरा से जो कोई भी हमें देखता है सॉरी, हम लोग मिल नहीं पाए, पर बहुत जल्दी होगा सारी चीज़ें। फिर क्या, फिर तो सब बढ़िया ही है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ 1000 का ही पेट्रोल डला है, मतलब एक फुल टैंक लेके दिल्ली से चला हूँ, और लगभग गाड़ी अभी हो गई है 160-170 किलोमीटर्स। तो देखते हैं गाड़ी का माइलेज कितना रहा है, और वैसे मोटर टॉक लगाने के बाद माइलेज मेरा पता है नॉर्मल से अच्छा ही आ रहा है यार, 25 तो दे रही है गाड़ी हाईवे पे। देखते हैं गाड़ी का अप्रॉक्स माइलेज भी आ जाएगा कितना है, मेरे ख्याल से 800। बताओ यार क्या माइलेज दे रही गाड़ी। भर दो 700 कर दो, आ जाएगा। अच्छा लाइट गई। अरे यार क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो भाई 750 का पेट्रोल डला है लगभग, मतलब 4 लीटर गाड़ी में पहले से था, जिसमें से 100 किलोमीटर और चल जाती है। भाई माइलेज तो अच्छा मिल रहा है भाई, लमसम 25 के ऊपर मिल रहा है, तो भाई सही है। और एवरेज स्पीड भी हमारी क्रूजिंग 100, 110, 90 इतनी चल रही है, तो सही है यार भाई। 650 का रिफाइनमेंट भी मिल रहा है, माइलेज भी मिल रहा है। ये कैसा नंबर प्लेट है यार। ओ भाई किला, क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं, किसी रानी राजा का किला है वो, न्यू चंबल ब्रिज भाई कितना सुंदर, जबलपुर की याद आ गई। चलो भाई ग्वालियर आ गए, अब यहाँ से आ गया मुंबई आगरा हाईवे। अभी 479 किलोमीटर है जबलपुर यहाँ से, जो कि दिखा रहा है 9 घंटे 3 मिनट। अभी 3 बजने वाले हैं, हम लोग निकले थे 10 बजे, 9:30-10 बजे, 10 से 3, मतलब मान के चलो 5 घंटे में हम लोग पहुँच गए हैं ग्वालियर। ये तो भाई अच्छी स्पीड है यार, क्योंकि अभी दिन में ही कर सकते हैं जुग जुग कर सकते हैं, रात में तो बड़ी दिक्कत होगी भाई, क्योंकि रतिया में जब आ जाता है कुत्ता या पिलवा या भैंसिया, तो भाई ये देखो भैंसिया जी आराम से रेस्ट चिलिंग एट दी रोड। तो भाई यही रात में बड़ी दिक्कत देती है, तो रात में हम थोड़ा दूर की विजिबिलिटी नहीं देख पाएंगे जब भगाते वक्त, तो इससे बेटर है कि धीरे चल लो, तो रात में थोड़ा हम वही मॉडरेट हो जाएंगे लगभग 70-80, अगर रोड रहेगी तो भगाएंगे ही। तो बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है, अभी तो ग्वालियर के अंदर से ही लेके जा रहा है भाई, यहाँ से अगर बाईपास होता तो बढ़िया रहता, बट अगर होता है तो यहाँ कोई कैफ़े वैफे में रुकते हैं, कुछ अच्छा सा खाते पीते हैं और एक स्टोरी भी डालते हैं, क्योंकि कई लोग ग्वालियर से भी हैं हमारे, यहाँ भी रुकने का कहीं समय नहीं मिल रहा है, चौराहे पे चौराहे आ रहे हैं, हमारे गूगल मामा चौराहा पे चौराहा घुमा रहे हैं, साइड साइड मैडम, मैडम साइड, ऑटो वाले भैया साइड साइड साइड, पेलना नहीं भैया पेलना नहीं, वेरी गुड थैंक यू, हटो 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 हटो। उगली मामा जो है दिन भर बकैती, हल्का सा गलत रास्ता क्या ले लो पूरा ही गलत बताने लगती फिर। ओ चलो भाई थोड़ा तो थ्रिल आया ग्वालियर आके, और भी अच्छी अच्छी रोड होंगी, पर ये गुगली मामा के भरोसे आए हैं ना। ओ स्टॉप, एग्जॉस्ट बंद कर लो कार्तिक भाई, क्लच दबाए रहो फुल पेल के, ये एकदम जैसे इलेक्ट्रिक बाइक। निकल गए, ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपीयर, डैंग डैंग। बस
कार्तिक बहुत तेज चला लिया सिटी में। ऑलराइट, तो अभी ग्वालियर से निकलते हुए हमने स्टोरी डाली थी तो भाई लोग भी आ गए थे, यहाँ डबरा बीच में पड़ता है, तो इनसे बात हो गई हमारी, तो इनसे मिलने आ गए भाई। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, जबलपुर आओ फिर और अच्छे से मिलते हैं, है ना। चलो ओके, मिलते हैं, है ना। चलो भाई चला जाए, चलो भाई। ऑलराइट, तो सागर यहाँ से 220 किलोमीटर है, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो मुझे 7:30-8 बजे तक तो पहुँचना ही था, जैसे बताया था एवरेज स्पीड हमारी 90 km/h चल रही है, और हमने झांसी से अपना सफ़र राइट साइड को मोड़ लिया है सागर की तरफ। सागर होते हुए फिर हमको जाना है सीधे जबलपुर, तो जबलपुर जाना है। और अभी शाम के हो रहे हैं 5, कॉफ़ी कहीं नहीं मिली, एक जगह रुक के मैंने चाय पी थी, तो ऐसी कोई जगह नहीं थी तो मैं उतर के दिखाया नहीं। कॉफ़ी पियेंगे तो आपको अपना चेहरा दिखाऊंगा, क्योंकि सुबह से चेहरा ही नहीं दिखाया, मोटो ब्लॉग ही चल रहा है। हाँ तो बॉयज़, अभी 700 का फिर पूरा फुल टैंक किया है, तो मतलब 400 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल अभी बचा था, मतलब सही है यार। 200 किलोमीटर भी प्लस चला लिए हम, फिर भी 400 रुपये का पेट्रोल बचा था इनकेस, मतलब 100 किलोमीटर और, तो मतलब 30 का एवरेज तो गाड़ी दे रही है हाईवे पे, 30 km/h और क्या ही चाहिए ब्रो। ऑलराइट गाइस, तो ये हूँ मैं और ये है हमारी चाय, तो ये टी ब्रेक और लंच ब्रेक भी, 5 बज गया, मुझे भूख भी लग रही थी, नॉनस्टॉप चला रहे थे, बस सागर पहुँच ही गया, 180 किलोमीटर समथिंग है। तो अभी यहाँ खाना खाते हैं, फिर खाना खा के यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि सुबह ही बस ब्रेकफास्ट किया था जब दिल्ली से निकला था, तो वही आलू पराठे खाए गए थे मथुरा पे, और मथुरा से निकल गए थे, तब से कुछ नहीं खाया, नॉन स्टॉप गाड़ी चली है। ऑलराइट भाई, तो फिर हमारा लंच आ गया, बटर पनीर रोटी प्याज। चलो भाई, हमारा खाना हो गया है और 6:30 हो गए हैं, और अभी भी 200 समथिंग किलोमीटर जाना है, 180 समथिंग, 8 के पहले सागर, 180 किलोमीटर जाना है सागर के लिए, और 6:30 हो गए हैं, तो हमारे पास टाइम कम है, 8 बजे तक मुझे सागर टच करना ही है, तो चलो सागर चलते हैं। रात का अंधेरा भी हो गया, हमने वाइज़र भी चेंज कर लिया है, क्लियर लगा लिया है भाई। तो ये रहेली के पास से एक रास्ता निकलता है, ये भयंकर सुनसान है यार, गांड फट रही है। शॉर्टकट के कारण दो रूट रहते हैं जबलपुर के लिए, एक बहुत घुमा के लेके जाता है, एक पास से है। ये दिन का रास्ता अच्छा है क्योंकि पूरा जंगल है, लेकिन रात में बहुत सुनसान है भाई। तो मैं प्रे करता हूँ कि चुपचाप आराम से ये रास्ता निकाल दूँ, क्योंकि अपने साथ है भी नहीं कोई, और यहाँ ज़्यादातर कोई आता भी नहीं है रात में भाई। तो अब सिर्फ जबलपुर बचा है 102 किलोमीटर, और ये सिंगल लेन चालू हो गया, ये है जंगल। तो भाई जंगल पे धीरे चलने को बोला गया है, बट मैं धीरे नहीं चलूँगा, क्योंकि तुम्हारे भाई की फट रही है बहुत तेज। रात के 11 बज रहे हैं, कोई नहीं है सुनसान, सामने से लाइट आ रही है, तो भाई दिल को सुकून आ रहा है, बाकी कोई दिख गया तो तुम्हारे भाई की फट के चौथड़ा हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा भाई रुकेगा नहीं, इसकी माँ की आँख, कितना स्पीड ब्रेकर मत बनाओ भाई। अरे ट्रक भाई थोड़ी जगह दे दे प्लीज़ माँ की आँख। एक कार्तिक भाई चुपचाप चले चल घर, बस पहुंच गए हैं, थोड़ा सा 1.5 घंटे की दूरी पे है घर, आ ही गए। प्लीज़ स्पीड ब्रेकर मत लाओ मेरे भाई, यहाँ पे मैं पागल हूँ जो यहाँ इस रास्ते से आया हूँ। अरे भाई गाड़ियाँ दिखी, इंसान है यहाँ पे, मेरे जैसे लोग हैं इस दुनिया में, आई लाइक इट। हम जबलपुर एंटर कर रहे हैं, पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, सॉरी सस्पेंशंस हमारे, देख रहे हो पूरी लाइटें, ये है जबलपुर। ओ भाई हाथ पैर की तो वाट लग गई यार, शॉक अप में कुदाते मतलब स्पीड ब्रेकर में, जो गांड फटी, ये 100 किलोमीटर भाई साहब, सागर से यहाँ आने में, भाई सागर से यहाँ आ रहे हो ना जबलपुर, तो मेक श्योर आप दिन के टाइम आओ, रात में कभी नहीं आओ, और रात में आओ तो कार से आओ, बाइक से मत आओ भाई, हालत जिगरा मुंह में आ जाता है भाई। यस फकिंग वी मेड इट ब्रो, 2500 किलोमीटर करके आ गए ट्रिप इस कैफे रेसर पे, फाइनली घर आ गए भाई। यस यार, मतलब मेरा तो ये फर्स्ट ट्रिप था और भाई मज़ा आ गया,
सबसे पहला फर्स्ट इतना लॉन्ग ट्रिप। ओ भाई घर की फीलिंग गूगी। अरे भाई साहब, अरे भाई 2500।